क्योंकि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ तो फिर भी बता दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मेन पार्ट पहुँच चुके हैं। और आगे इधर का सीन दिखा दूँ तो ये देखिए, ये अपना मेन पार्ट का एरिया हिल गए पूरा। अरे मामा लोग, मामा तो बहुत खुश है। और इधर का पूरा सीन मतलब पास से स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड पे। तो एक मेरे फेवरेट जगह पे आज जा रहा हूँ, तो कहाँ पर जा रहा हूँ उसको चलिए अभी आगे जाके आपको दिखाऊंगा और कैसा क्या सीन होता है वहाँ का। मुझे देख के तो आज जा रहा हूँ तो सपना लग रहा है कि आज मैं जा रहा हूँ। तो चलिए आगे जो भी सीन होता है उसको दिखाता हूँ मेरे ब्लॉग पे। तो गाइस मैं अभी पहुँच चुका हूँ अंबिकापुर के बस स्टैंड के रास्ते पे। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट अभी जाना है दरिमा, तो चलिए दरिमा साइड अब पहुँचते हैं। और उसके बाद तो ये अभी हम पहुँच चुके हैं दरिमा चौक, मतलब यहाँ से आपको दरिमा 12 किलोमीटर पड़ेगी। और आगे का सीन आप लोग देख ही सकते हो कैसा सीन है, बहुत ही खतरनाक सीन है। और अभी वीडियो में थोड़ा क्वालिटी डाउन लग रहा है, इस वजह से आपको पता नहीं चल रहा है, पर बहुत अच्छा है। और थोड़ा मौसम भी डाउन लग रहा है, तो आगे का सीन आप देख ही सकते हो कैसा क्या है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये व्यू आपको आगे साइड का कैसा लग रहा है। तो चलिए आगे का सीन में आपको मिलते हैं। तो गाइस अभी मैं गुनगुटा जाने वाला रास्ता के पास पहुंचा हूं, और ये देख सकते हैं इधर से आप तो जाओगे गुनगुटा और मुझे तो आगे साइड जाना है। तो अभी जहां पहुंचूंगा अभी चलिए आगे का सीन आपको दिखाता हूं, तो बने रहना ब्लॉग पे कंटिन्यू। तो ये देख सकते हैं ये अपना गुनगुटा वाला रास्ता, तो चलिए अपने आगे के सफ़र में चलते हैं। तो गाइस आगे का सीन आप लोग देख ही सकते हो कैसा सीन है। तो अभी दरिमा मतलब बता दूं तो 8 किलोमीटर और है, मतलब दरिमा भी नहीं पहुंच पाए हैं, पर आगे का सीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे का सीन कहाँ, तो आगे का सीन का आनंद लीजिए। और आपको बता दूं तो मैं फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूं, और थोड़ा डर भी लग रही है कि मैं फर्स्ट टाइम अकेले राइड कर रहा हूं, फिर भी हिम्मत साथ हो ना तो हर कुछ हो जाता है। ठीक है, तो गाइस आगे का सीन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए व्यू का आनंद लेते रहिए और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है और हमारे ये बाइक आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे का सीन का आनंद लीजिए। तो गाइस आप आगे का व्यू देखकर तो जान ही जा रहे होगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, फिर भी आपको अभी नहीं बताएंगे। और ये अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा ही करीब पहुँच चुके हैं, मतलब यहाँ का सीन आपको देखकर आपको लगेगा कि नहीं हम कहीं शिमला की जगह पे आ गए हैं। और यहाँ का रोड देखकर तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत स्मूथ, मतलब राइड लोगों के लिए बहुत अच्छा रोड है। और आगे का सीन आप लोग देख ही सकते हो, पूरी चारों साइड मतलब रास्ता ऐसा है कि क्या होता है, व्यू का आनंद लेते लेते ही आप वहाँ पहुँच सकते हो जहाँ जाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ का चित्रण भी बहुत अच्छा अच्छा किया गया है, आपको हर कुछ यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर मोड़ तो ऐसा है क्या बताएं, जो ज़्यादा हैवी ड्राइवर हो ना तो भी गया यहाँ से, ऐसा स्पीड मतलब यहाँ लिमिट में आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मोड है क्या बताएं, एक सांप टाइप बन गया, मतलब सांप बना दिए हैं रोड को, क्या बताएं। यहाँ का सीन तो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, फिर भी देखिए आगे धीरे धीरे हम अपने मंजिल के करीब पहुँच चुके हैं। तो आप लोग व्यू देख के तो जान ही गए हो कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, तो फिर भी बता दे रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मेन पार्ट। तो मेरी भांजी भी जा रही है, तो उन्हीं के साथ मस्ती करने आज पहुंच जा रहे हैं मेन पार्ट। और मेरे जाने का सपना था वो भी आज पूरा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा है कि चलिए आगे जो भी सीन होता है ना उसको दिखाता हूँ। अभी बाइक चलाते समय आपको आगे का व्यू नहीं दिखा पाऊँगा, तो वहाँ पहुँच लेता हूँ, उसके बाद आपसे तो भांजी से मिलाऊँगा और वहाँ का सीन दिखाऊँगा। तो बने रहना ब्लॉग पे कंटिन्यू, तो चलते हैं। तो गाइस अभी हम आधा रास्ता पहुँच चुके हैं, और आगे इधर का सीन दिखा दूँ तो ये देखिए, ये अपना मेन पार्ट का एरिया,
बहुत ही खतरनाक एरिया है यहाँ पर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और फर्स्ट टाइम अभी, और अभी आगे और जाना है मेरे को, तो आगे जो भी सीन होता है आपको दिखाऊंगा। और इधर का व्यू आप लोग देख सकते हो कैसा व्यू है, और इधर का पूरा चारों तरफ का सीन बहुत ही खतरनाक सीन है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं आगे, और बारिश भी हो रही है, कहीं रुक के भी ये चीज़ करेंगे। तो चलिए आगे का सीन जो भी होता है तो बने रहना ब्लॉग पे कंटिन्यू, और इधर का सीन आप लोग देख ही सकते हो कैसा क्या है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये अपना मेन पाथ का रास्ता है, और उसके बगल में आपको जो पहाड़ी एरिया दिखता है इतना सुंदर कि क्या बताएं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं अपनी भांजी से मतलब बहुत दिन के बाद आज मिलने जा रहा हूँ, तो मिलने की खुशी इतनी है कि मुझे घर से आज मेन पार्ट तक पहुँचा दी। तो आप लोग आगे का सीन देख ही सकते हो कैसा सीन है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है। अगर आप मेन पार्ट नहीं गए हो तो ज़रूर आइएगा मेन पार्ट, और यहाँ का दर्शन ज़रूर देखिएगा ब्यूटीफुल सीन को, और बहुत ही खतरनाक सीन है भाई, मुझे तो देख यहाँ का सीन देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग देख सकते हो बच्चे लोग के लिए स्कूल भी बनाया गया है। तो गाइस चलिए, तो गाइस जहाँ हमारा स्टॉप है वहीं पर मिलते हैं, तो बने रहिए ब्लॉग पे कंटिन्यू। गाइस देख सकते हो मेन पार्ट का ये एरिया आपको कैसा लग रहा है इधर, तो पहला अपना है जली पॉइंट, तो देख सकते हैं इधर पहला मेरा चीज़ है कि हाँ पहला भी जाऊँगा जली पॉइंट। और इधर का सीन आप लोग देख ही सकते हो कैसा क्या माहौल है। तो हमारा पहला लोकेशन है जलजली पॉइंट, तो इधर का पूरा चारों साइड आप देख सकते हो कैसा क्या है, और ये जलजली पॉइंट। तो चलते हैं आगे का सीन जो भी होता है उसको दिखाता हूँ। ठंडा में कौन जाएगा सर। तो यहाँ का व्यू देख सकते हो ऐसा है, ठंडा में तो हिल गए पूरा। अरे मामा लोग, मामा तो बहुत खुश है एक हिल है। तो ऐसा है कि ज़्यादा घूमेंगे नहीं, अभी ठंड लग रहा है, तो अब यही सब डायरेक्ट यहाँ से जब चलेंगे और यहाँ से व्यू आपको दिखाएंगे। अभी घुसने का तो उतना नहीं मिला, और बाहर का सीन तो ऐसा है, और अंदर वो गाड़ी उड़ी है, और ये घोड़ा जी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो बस घूम लिया उतनी काफ़ी है। और व्यू आपको कभी और आके आपको दिखाऊंगा कैसा क्या सीन है, ठीक है, तो बने रहना ब्लॉग पे। और इधर का सीन आप लोग देख सकते हो, ये मतलब जल जल्दी पॉइंट, मैं तो घुसा नहीं, क्या बताऊँ हालत खराब हो गया था तो ठंड में, अभी और एरिया में जाके आपको वहाँ का सीन दिखाऊँगा, ठीक है, तो बने रहना ब्लॉग पे। और वो जानू तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पर, तो बने रहना ब्लॉग पे कंटिन्यू। तो गाइस हम अपने सेकेंड लोकेशन पे निकल चुके हैं, और इधर का व्यू आप लोग देख ही सकते हो बहुत ही खतरनाक व्यू है, मुझे तो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इधर का व्यू मतलब मेन पार्ट को शिमला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का व्यू आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि बारिश आने के कारण हम लोग को अभी यहीं पर रुकना पड़ रहा है, क्योंकि इधर का व्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, तो ये अपना राइडिंग के लिए मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे का जो भी सीन होता है मिलते हैं। तो गाइस हम अभी सेकंड लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, और ये लोकेशन का नाम है टाइगर पॉइंट, और इधर का सीन देख सकते हो पूरे ठंडे में हिल रहे हैं, और पूरे इधर मतलब बंदर अंदर सब यहाँ पर लगे हुए हैं। बड़ी खतरनाक ठंडा लग रहा है यहाँ, तो आज बैंड बजा दे रहा है, लग रहा है कि बस एसी आज एसी दिखाना पड़ेगा हिलते हिलते। तो चलते हैं आगे का सीन आपको दिखाता हूँ। तो अभी जंगल साइड जा रहे हैं, अब देखते हैं उधर का क्या माहौल है, और छोटे छोटे गाड़ी भी यहाँ चल रही है, तो देखते हैं आगे का क्या सीन होता है, ठंडा में कितना तक खेलेंगे अभी जब तक पानी कम ना हो जाए, ठीक है, बने रहना ब्लॉग पे कंटिन्यू, और आगे का जो भी सीन होता है आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये हमारे सेकंड लोकेशन टाइगर पॉइंट का सीन है, तो इधर का सीन आप लोग देख ही सकते हो, जंगल में ऐसा ढूंढरा छाया है क्या बताएं, और सीन देखकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे का जो भी सीन होता है उसमें मिलते हैं। मंकी
तो गाइस आप लोग टाइगर पॉइंट जाओगे तो हमको बजरंगबली की दर्शन जरूर हो जाएगी, तो देख सकते हैं हमारे बजरंगबली। बोलो जय श्री राम। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है और इधर का सीन आप लोग देख सकते हैं, पूरा ढूंढरा आ गया इधर का सीन। तो अभी और टाइगर पॉइंट पे पहुंचे हैं, टाइगर पॉइंट पे पहुंच गए हैं, तो टाइगर पॉइंट का जो भी सीन होता है अभी आपको दिखाऊंगा। और इधर का सीन आप देख सकते हैं, पूरा ढूंढरा हो गया और पूरे हेलमेट लगे हुए हैं यहाँ पास, और इधर का सीन आप लोग देख ही सकते हो। तो चलिए गाइस अभी नीचे साइड मतलब दिखते हैं, जाते अभी जाने लायक होगा क्योंकि बारिश भी हो रहा है, तो दिखते हैं नीचे साइड झरना वरना होगा उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ और क्या होता है। ठीक है, अभी रहना ब्लॉक से कंटिन्यू, तो चलते हैं। तो गाइस आपको बता दूँ तो इधर का सीन आप लोग देख ही सकते हो कैसा क्या है, पूरा ढूंढ रहा हो गया है। और यहाँ मैं मतलब टाइगर पॉइंट पे आया हूँ, तो चलिए टाइगर पॉइंट का जो भी सीन होता है ना उसको आपको दिखाऊंगा। और यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ तो थोड़ा देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गलत दिन पे आ गए हम लोग, क्योंकि बारिश पूरा एरिया देख सकते हो पूरा बारिश से बारिश का हो गया है। तो और इधर पैर का सीन तो देख सकते हो बहुत गिल्ला, और मेरा ऊपर से आप नीचे देख सकते हो पूरा मतलब पूरा गिल्ला हो गया है। ठीक है, तो चलिए आगे का जो भी सीन होता है उसको दिखाऊंगा, तो बने रहना ब्लॉग पे कंटिन्यू। तो गाइस आप लोग इधर का सीन देख ही सकते हो कैसा है, मतलब पूरे यहाँ गाड़ी वाड़ी सब लगे हुए हैं, और बच्चे लोग के लिए भी खेलने के लिए मतलब बनाया गया, बच्चे लोग के लिए नहीं है फिर भी देख सकते हैं इधर का सीन। और चलिए आगे का जो भी सीन होता है आपको दिखाता हूँ, तो आगे का सीन अब कैसा है क्या है सब दिखाता हूँ। तो देख ही सकते हो इधर का सीन पूरा ढूंढ रहा हो गया। तो चलिए अभी आगे का सीन जो भी होता है उसको दिखाता हूँ, और पूरा मैं भी देखता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ठीक है, बने ब्लॉग। और इधर का सीन कुछ मतलब एरिया बहुत खतरनाक इधर का, इधर का सीन आप लोग देख ही सकते हो इधर का क्या है, बहुत ज़्यादा ही ठंड है यहाँ पास भी। और संभाल के देखते जाना पड़ेगा अपने को यहाँ पास, यहाँ ब्लॉगर भी अलग भी है पूरा। पॉइंट के पास देखिए पहुंच चुके हैं, और इस जगह पे देख ही सकते हो मतलब सीन बहुत खतरनाक है, और क्या बताएं सीन तो बहुत डेंजर। अब चलते हैं और आगे का आपको सीन दिखाते हैं क्या था क्या माहौल है। और ये देख सकते हैं, तो ये अपना टाइगर पॉइंट का सीन आप लोग को दिखाता हूँ, और इधर का पूरा की लोग वही लगे हुए हैं आपस। और यहाँ से आप लोग सीन देख सकते हो कैसा क्या है, और इधर का पूरा सीन मतलब पास से भी थोड़ा दिखाता हूँ। और इधर बता दूँ तो इधर मंकी भी देखो उधर की दौड़ रहा है पूरा क्या बताए। और ये आप लोग देख सकते हो ये अपना टाइगर पॉइंट का सीन है, और इधर पूरा सीन देख सकते हो कैसा क्या है, और कुछ जूम करके दिखाता हूँ कैसा क्या है देख सकते हैं। हाय हाय हाय, और आप भी देख सकते हो ऊपर से बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीन गड़बड़ा आ गया है, और देख सकते हो इधर पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पूरा गया है। तो चलिए अभी पास से आपको जाके दिखाता हूँ कि क्या माहौल है वहाँ का। तो गाइस आप लोग दिखा दूँ पास से देख सकते हैं कैसा सीन है इधर का पूरा सीन, तो देख ही सकते हो ऊपर से पूरा नीचे तक डाउन बहुत खतरनाक, मतलब दिखने को बहुत ब्यूटीफुल एरिया मतलब दिखता है। और इधर का पूरा छोटा मोटा पानी नहीं है यहाँ पूरे यहाँ तक पूरा बहता है, और इधर का पूरा सीन दिखा दूँ ऊपर से नीचे तक पूरा मतलब सीन देख ही सकते हो कैसा क्या है। और मुझे भी आपको दिखा दूँ तो आपको दिखा रहा हूँ ऐसा आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रहा होगा तो प्रॉब्लम। और ये पूरा सीढ़ी आप लोग देख सकते हो पूरा ऊपर तक नीचे तक है, और इधर का सीन तो आप लोग देख ही सकते हो कैसा क्या है। तो बने रहना ब्लॉग पे कंटिन्यू, और आगे का सीन जो भी होता है उसको दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो यहाँ का सीन बहुत ही खतरनाक, मतलब टाइगर पॉइंट का देख सकते हो व्यू बहुत ही अच्छा व्यू है। और चलता हूँ आपको पास से मतलब दिखाता हूँ, और ऊपर तो बहुत ज़्यादा मतलब लो क्वालिटी आ गई मेरे वीडियो, तो भी देखते हैं और क्या होता है। और इसका ये चारों साइड आप लोग देख ही सकते हो कैसा क्या है,
मतलब ऊपर से गिरता हुआ पानी आपको क्या बेहतरीन सीन दिख रहा है। तो चलिए आगे का जो भी सीन होता है उसको आपको दिखाऊंगा। ये सीन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो करें ब्लॉग पे कंटिन्यू, तो चलते हैं।